Yes, good afternoon everyone. So in last session we have covered some biodiversity related important part and biosphere reserve and mapping. So यहाँ तक हम आए थे last lectures में, ठीक है. So now we are going to start with the next part, but before starting with the session I just want to let you know about the price hike alert. Okay, so price hike alert हो सकता है from 20th of October and onwards. So please go and subscribe to the Unacademy channel on, just download it from the Play Store and use code that is Sumit Konde for the 10% off. Okay, so and definitely we are going to provide many of the courses in this we can say in this subscription. So that is, you are also going to provide optional courses and entire GS full एक batch आपको यहाँ पे provide किया जाएगा, ठीक है. So चलो let's start with the next part and yes, before starting with the our main topics, so I just want to again there is one addition that कि जो हमारा environment the Hindu news coverage है, so वो भी बहुत ज़्यादा important है आपके UPSC prelims के point of view से. तो याद रखना कि आपको just Unacademy ऐप पे कुछ special sessions भी provided होता है. सो वो स्पेशल सेशंस कम्प्लीटली फ्री हो गए आपके लिए. सो फ्री क्लासेस होते हैं. सो जस्ट आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में डालना है दैट इज सुमित कोंडे एंड यू विल गेट एंटायर 1 ईयर एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज कंप्लीट सेशंस. ओके, सो वो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली भी मिल जाएंगे, ठीक है. सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट एंड प्लीज़ फॉलो टू माई चैनल सो दैट आपको नेक्स्ट मंथ, मतलब अभी 15th of October को हम फर्स्ट 15 डेज जो द हिंदू के कवरेज होते हैं तो वो यहाँ पे कवर करने वाले एनवायरमेंट रिलेटेड. एंड सिमिलरली देर इज अगेन अ वेरी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड दैट इज साइंस एंड टेक का भी हम द हिंदू न्यूज़ कवरेज करने वाले वेरी सून, बिकॉज एक जनरली एवरी मंथ के फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ सो हम क्या करेंगे कि जैसे अक्टूबर है फॉर एग्जाम्पल, तो अक्टूबर का एंटायर कवरेज, मतलब जैसे हम एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज लास्ट 1 ईयर से करें तो सिमिलरली हम साइंस एंड टेक का भी अभी करने वाले ऑन द 1st of November. ओके, सो अक्टूबर का एंटायर कवरेज आपको नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट पे ही आपको पूरा एंटायर कवरेज मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यू कोर्सेज एंड फ्री कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू. सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट. एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखो कहाँ तक किया था कवर. सो दैट इज़ एंटायर हमने हॉटस्पॉट रीजन्स देखे थे लास्ट लेक्चर में. देन उसके बाद हॉटस्पॉट रीजन्स इंडिया में कहाँ पे आते, कितने आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट रीजन्स है तो हमने एक जस्ट टेंटेटिवली सब ओवरलुक कर दिए थे. एंड उसके बाद हमने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एक देखा था कि जहाँ पे इंडिया में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आते हैं. सो दैट इज हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इंडोबर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, सुंदरलैंड एंड वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका. तो इंडिया में देख लेना कि हिमालय ये फर्स्ट आता है, हमने उसके एंटायर लोकेशंस देख लिए थे कहाँ पे आते हैं. एंड उसके बाद इंडोबर्मा एक चेकआउट किया था हमने कि जिसमें हमारा पूर्वांचल पार्ट आता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बाकी भी यहाँ पे कंट्रीज देखना है कि कहाँ से ये इंडो बर्मा, सिर्फ इंडो एंड बर्मा में नहीं आता है, इंडिया एंड बर्मा नहीं है. तो यहाँ पे विद दैट अगर देख सकते हैं हम तो थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड सदर्न चाइना ये भी रीजन्स आते हैं, तो वो भी आपको चेकआउट करना है, ठीक है. तो ये भी मैंने आपको कल इसका इंपॉर्टेंस बता दिया था. देन उसके बाद सुंदरलैंड हमने कवर किया था. सुंदरलैंड में जो हमारा निकोबार ग्रुप ऑफ द आइलैंड आता है तो वो एक हमने कवर किया था. एंड वेस्टर्न घाट जिसमें एंटायर 1600 किलोमीटर का आपका वेस्टर्न घाट का स्ट्रेच आता है, ठीक है, तो वो हमने कवर किया था. देन होप स्पॉट हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किए थे. सो दैट इज़ डॉक्टर सिल्विया अर्ली, इनकी कुछ कंसेप्ट थी कि जितना हम टेरेस्ट्रियल हॉटस्पॉट को इंपॉर्टेंस देते हैं ये सब, तो वैसे ही आपको जो मरीन बायोडायवर्सिटी होते हैं तो उनको भी उतना इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है. तो हेल्थ ऑफ द ओशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो हेल्थ ऑफ द ओशन इसके लिए एक न्यू कंसेप्ट आती है दैट इज़ द होप स्पॉट रीजन्स. तो ऐसे वर्ल्ड में 31 होप स्पॉट्स है, उसमें हमारा इंडिया के अगर देखा जाए तो अंडमान एंड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ये 2 होप स्पॉट आते हैं इंडिया के. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब जैसे हॉटस्पॉट इंपॉर्टेंट होते हैं तो वैसे ही मुझे लगता है होप स्पॉट भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो गए, जो कि किसका इनिशिएटिव है, मिशन ब्लू एंड IUCN. तो ये कल हमने कवर किया था और उसमें देखा था इंडिया के लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार ये 2 ग्रुप्स आते हैं आउट ऑफ द 31 वर्ल्ड के जो भी होप स्पॉट है उसमें. उसके बाद हमने बायोस्फीयर रिजर्व स्टार्ट किया था दैट इज़ 1971 में यूनेस्को के थ्रू ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ था यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम एंड इंडिया में जो कि इंट्रोड्यूस होता है 1986 में. एंड इसका मेन पर्पस तो वही रहेगा कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जहाँ पे होता है तो वहाँ पे पोल्यूशन ऑन द बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम एग्जैक्टली कैसे कंजर्व करना है उसी रिगार्डिंग था. एंड ये इन सिटू कंजर्वेशन प्रोग्राम में आता है. टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसमें से यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड जिसको हम मैप साइट कहेंगे, यूनेस्को रिकॉग्नाइज मैप साइट कितने आते हैं, टोटल 11 मैप साइट्स आर देयर अंडर द यूनेस्को रिकॉग्नाइज पॉइंट. ओके, सो हमने उसके बाद स्टार्ट किया था कि बायोस्फीयर रिजर्व एग्जैक्टली इंडिया में कब स्टार्ट होता है, तो इंडिया में फर्स्ट ऐसे अगर वर्ल्ड में देखा जाए सॉरी, तो दैट इज़ 79 में कुछ स्टार्ट हुआ था एंड बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, बट अंडर द वी कैन से कि जो कंजर्वेशन के अंडर अगर देखा जाए, मैप साइट्स में अगर देखा जाए, तो इंडिया में तो बस 11 ही आते हैं, ठीक है, एंड टोटल तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में, ठीक है, तो वो हमने कल देखा था। लार्जेस्ट भी हमने देखा था गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व एंड द स्मॉलेस्ट इज द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेकंड हमने देखा था कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज द नीलगिरी। ईस्टर्न मोस्ट हमने कल कवर किया था दिब्रू साइखोवा, नॉर्दर्न मोस्ट कोल्ड डेजर्ट, वेस्टर्न मोस्ट रन ऑफ कच्छ एंड सदर्न मोस्ट ग्रेट निकोबार, तो ये भी एंगल से हमने चेकआउट किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था विद द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व विच इज अंडर ऑल्सो अंडर द मैप साइट, तो ये हमने कवर किया था कल। देन नोकरेक जो अगेन मैप साइट के अंडर आता है, वो भी हमने कवर किया था। सेकंड वन जो था नोकरेक, जो कि कहाँ पे आता है, मेघालय में, यस, गारो हिल्स। ओके, सो नंदा देवी हमने देखा था, कुमाऊं हिल्स मिडिल हिमालय का पार्ट जो है, तो वो भी आता है मैप साइट्स में। देन ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व वो भी मैप साइट में आएगा, अंडमान निकोबार में आता है, एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट में। और इस पर कौन से नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज के पार्ट है, तो देख लेना, कैम्बेल बे नेशनल पार्क एंड गैलाथिया नेशनल पार्क, ये इसके पार्ट हो गए। एंड नेक्स्ट हमने देखा था गल्फ ऑफ मन्ना विच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड विच इज ऑल्सो अंडर द मैप साइट। ओके, देन सुंदरबन विच इज ऑल्सो द अंडर द मैप साइट, मानस भी था। ये सब हमने कल कवर किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। और सिंपलीपाल उड़ीसा, ये भी चलो हमने कल देखा था। दिब्रू साइखोवा जो कि करंटली न्यूज़ में, ऑयल वेल ब्लोआउट, ये भी हमने कल कवर किया था। ओके, एंड दिहांग दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग न्यूज़ में बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना। अरुणाचल प्रदेश में आता है, एक्सट्रीम ईस्ट की तरफ, ठीक है, मतलब अरुणाचल की ईस्ट की तरफ आता है। ओके, और यहाँ की स्पीसीज कौन से, एंड मौलिंग नेशनल पार्क इसका पार्ट आता है दिहांग दिबांग का, तो वो भी हमने कल कवर किया था। देन उसके बाद पंचमढ़ी जो कि सेंट्रल पार्ट है, दैट इज सातपुड़ा रेंज, तो इसका सेंट्रल पार्ट जो है या गाविलगढ़ रेंज जो आता है, सातपुड़ा की सब रेंज गाविलगढ़ रेंज, तो उसमें आता है पंचमढ़ी, ये हमने कल कवर किया था। एंड ईस्टर्न मोस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सातपुड़ा पे दो यहाँ पे आपको बायोस्फीयर रिजर्व दिखेंगे, एक था गाविलगढ़ पे एंड एक आता है मैकल पे, दैट इज अचानकमार अमरकंटक, तो ये भी शायद हमने कल कवर किया था, अचानकमार अमरकंटक, ओके, जो कि मैकल पे आता है। देन उसके बाद हमने कांचनजुंगा देखा था, वो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, एज अ मिक्स साइट इसमें आता है, दैट इज नेचुरल प्लस कल्चरल ऑल्सो, एंड मैप साइट में भी आता है एंड बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है, वो भी हमने कल कवर किया था, ठीक है। अगस्थमलाई जो कि मैंने आपको बताया था अन्नामलाई रेंज पे आता है, तो ये हमने कल कवर किया था, अन्नामलाई रेंज एंड अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जिसपे 19 का कुछ क्वेश्चन था यूपीएससी का। तो कलक्कड़, मुंडनतुराई, नेयार, पेपारा, शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब हमने कल डिस्कस किए थे। एंड लास्ट वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर एंड दैट इज अचानकमार अमरकंटक, ओके, तो ये भी हमने कल कवर किया था, दैट इज ऑन द मैकल हिल्स, एंड मैकल हिल्स किसका पार्ट आते हैं, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द सातपुड़ा रेंज। ओके, तो सातपुड़ा का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे अगर देखा जाए, सो दैट इज द अमरकंटक, अचानकमार अमरकंटक आता है मैकल हिल्स पे। और इस पर अगर देखा जाए तो नर्मदा एंड शोन रिवर्स इसके नियर बाय फ्लो होते हैं, नर्मदा फ्लोज टू द वेस्ट एंड शोन फ्लोज टू द नॉर्थ एंड मर्ज विद द मेन, अगर गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर देखा जाए तो गंगा के साथ यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं, तो ये हमने कल कुछ डिस्कस किया था। एंड वी आर अप टू द अचानकमार अमरकंटक, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। सो नेक्स्ट इज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, विच इज द वेस्टर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, एंड वो आता है रन ऑफ कच्छ के रीजन्स में, एंड विच इज द सबमर्ज कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना, सॉरी इमर्ज कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में देखो याद रखना, गुजरात एक इमर्ज कोस्ट में आता है, देन सेकेंड केरला इज अनदर इमर्ज कोस्ट, एंड तमिलनाडु जो कि कोरोमंडल कोस्ट है, तो वो एक इमर्जेंट कोस्ट है, मतलब क्या है कि यहाँ पे स्लाइटली अपलिफ्ट हुए ही है, तो इस वजह से यहाँ पे जो वाटर था वो रिसीड हो गया या बैक साइड ऐसे वी कैन से कि बैकवर्ड निकल गया यहाँ पे, ठीक है। एंड उसका जो प्लेटफॉर्म है, सो वी कैन से कि वो प्लेटफॉर्म सी में सम टाइम के लिए सबमर्ज था, ठीक है, तो अब ये प्लेटफॉर्म ओपन है, सो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सैलिनिटी हायर होगी, या फिर जो भी सॉल्ट पैंस है यहाँ पे बहुत ही अच्छे मतलब सॉल्ट पैंस वगैरह क्रिएट हुए। इंडिया का मैक्सिमम सॉल्ट प्रोडक्शन देखा जाए तो गुजरात में ही होता है, ऑलमोस्ट 60 to 65% तक यहाँ पे होता है, बट यहाँ पे वही है कि इतनी सलाइन सॉइल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉरेस्ट उतना ग्रो नहीं होगा, तो इतनी इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप नहीं है, बट सम ऑफ द स्पीसीज यहाँ पे इंपॉर्टेंटली मतलब आपको दिख जाएंगे। सो वही है रन ऑफ कच्छ, याद रखना बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है, कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी। सो स्लाइटली इट इज कंसिडर एट द डेजर्ट, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट उतना यहाँ पे डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो एनीवेज यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज इंडियन वाइल्ड एस, ओके, सो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी ये किसका पार्ट है, तो याद रखना रन ऑफ कच्छ का पार्ट आता है, और रन ऑफ कच्छ की एक की स्पीसीज है। इवन यहाँ पे उनको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, दे डोंट हैव एनी थ्रेट फ्रॉम द प्रेडेटर, ओके, सो प्रेडेटर से ज़्यादा थ्रेट नहीं है. सो व्हाट दैट एग्जैक्टली मीन्स, तो यहाँ पे उनके ऊपर अगर मतलब देखा जाए तो लायन होगा या फिर वी कैन से टाइगर, लियोपर्ड्स, ऐसे यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे. तो इंडियन वाइल्ड एस, सो दे डू नॉट हैव एनी थ्रेट फ्रॉम द एनी प्रेडेटर. ओके, सो ऐसे ही रन ऑफ कच्छ में आपको 21 स्पीसीज दिखेंगे, दैट इज इंडियन वाइल्ड एस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी. यहाँ से अगर देखा जाए तो मोस्टली ड्रेन होती है रिवर एड और वी कैन से द मर्ज द रिवर एक्चुअली इन दिस रीजन, तो दैट इज़ द लूनी रिवर. देखो यहाँ से वेस्टर्न घाट दैट इज़ अरावली रेंज अगर देखा जाए तो अरावली रेंज से वेस्ट की तरफ ये फ्लो होती है एक रिवर एंड एग्जैक्टली देखो ऐसे यहाँ पे जाके मर्ज होगी बिकॉज उतना वाटर ये रिवर में नहीं होता है बिकॉज ऑब्वियसली इसका ओरिजिन देखोगे तो अरावली के आसपास आता है राजस्थान में, तो उतना एक सफिशेंटली वाटर उसमें अवेलेबल नहीं होता है. सो दैट यहाँ पे अगर देखा जाए तो रन ऑफ कच्छ में ये डिजापेयर हो जाती है लूनी रिवर. तो इसके नियर बाय याद रखना बस ग्रेट रन ऑफ कच्छ में लूनी रिवर कुछ मर्ज होती है, बस इतनी ही एक रिवर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होगी, अदरवाइज ऐसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर नहीं दिखेगी आपको. तो जस्ट नोट दैट ओनली लूनी रिवर. सेकेंड है इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका पार्ट आता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ का. पार्ट कौन से देख लो अभी, वाइल्ड एस सेंचुरी, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व, छारीधंड वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व. तो इतने सारे प्रोटेक्टेड एरियाज या कंजर्वेशन साइट्स यहाँ पे आते हैं रन ऑफ कच्छ में. सो प्लीज़ अगेन रिपीट इट अगेन. सो इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपीएससी का क्वेश्चन था, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क इज डिफरेंट जो कि राजस्थान में आता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, सो दैट इज़ द डेजर्ट नेशनल पार्क और वो आएगा यहाँ पे वी कैन से कि जो जैसलमेर, बाड़मेर ऐसे कुछ प्लेसेस आते हैं तो वहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क आएगा एंड वहाँ पे फिर आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनका नंबर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे तो वो आएगा राजस्थान के पार्ट में आता है, ठीक है. सो वो अलग है एंड ये डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो थोड़ा सा साउथ की तरफ है और गुजरात में आता है मोस्टली, तो वो उसका पार्ट है. नारायण सरोवर दैट इज सेंचुरी, सो ये नेक्स्ट सेंचुरी रहेगी नारायण सरोवर सेंचुरी एंड कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, ठीक है. तो ये इसके पार्ट रहेंगे. तो कच्छ में भी एरिया में अगर देखा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर या बस्टर्ड कच्छ बस्टर्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं. तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपको गुजरात एंड राजस्थान की तरफ आपको दिख जाएगा, ठीक है. सो ये लोकेशन बस्टर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार हमारे यस दैट इज सीएमएस का जो कन्वेंशन गांधीनगर गुजरात में हुआ था तो उसका मैस्कट दैट इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज का मैस्कट इस बार कौन था, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो वही एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बन सकता है कि एग्जैक्टली बस्टर्ड का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है. तो ये लोकेशन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी इन द रन ऑफ कच्छ, ये दो प्राइम हैबिटेट रहेंगे उनके. सो नेक्स्ट इज द कोल्ड डेजर्ट. ओके, नेक्स्ट इज द, यहाँ तक किसी का कुछ क्वेश्चन है अप टू ग्रेट रन ऑफ कच्छ और डेजर्ट नेशनल पार्क एंड कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें किसी का कुछ क्वेश्चन रहेगा? ओके फाइन, ठीक है. सो चलो देखते हैं नेक्स्ट. यस, एनी क्वेश्चन फास्ट यू कैन रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स ऑल्सो. सो चैट बॉक्स में भी आप रिप्लाई कर सकते हो फास्ट, ठीक है. इट्स फाइन, आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टूड दिस पार्ट. ओके ओके फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड डेजर्ट. सो कोल्ड डेजर्ट, सो देखो कोल्ड डेजर्ट मतलब आपको माइंड में वही आ जाएगा कि इंडिया में तो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख आता है, बट वैसा नहीं है. यहाँ पे देखो हिमाचल प्रदेश में आता है, दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश, और जिसका इंपॉर्टेंट एक वी कैन से द नेशनल पार्क पार्ट है दैट इज पिन वैली नेशनल पार्क. ओके, सो कोल्ड डेजर्ट का पार्ट आएगा पिन वैली नेशनल पार्क. ओके, सो पिन वैली, नोट दिस पिन वैली. एंड सेकेंड है हिमाचल प्रदेश में आता है ये, वो आपको एक नोट करना जरूरी है, ठीक है. सो इट इज़ इन द हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज इन द हिमाचल प्रदेश एंड पिन वैली नेशनल पार्क उसका पार्ट है एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सरचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो किब्बर एंड सरचू, दिस टू आर द पार्ट ऑफ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. तो शायद क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि एक तो पहले तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे आता है, कोल्ड डेजर्ट मतलब बायोस्फीयर रिजर्व अगर देखा जाए तो कहाँ पे आता है? यस, दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि नेशनल पार्क एंड कौन से नेशनल पार्क एंड कौन से सेंचुरी उसके पार्ट है. सो योर आंसर मस्ट बी द पिन वैली नेशनल पार्क एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सरचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, सॉरी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, जो कि वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? ओके ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं दैट इज द सेशलम. हाँ, एंड वन मोर थिंग, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, नॉर्थ मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, सो दैट इज द कोल्ड डेजर्ट. ओके, दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश. यस, जम्मू कश्मीर डोंट हैव एनी बायोस्फीयर रिजर्व. सो इसलिए जम्मू कश्मीर वहाँ पे कट कर दो. एंड याद रखना कोल्ड डेजर्ट इज द नॉर्थ मोस्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया. सो नेक्स्ट इज द सेशचलम हिल्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, यस प्लीज टेल मी किसके लिए इंपॉर्टेंट है सेशचलम हिल्स, क्या है यहाँ पे इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट. फास्ट रिप्लाई फास्ट, प्लीज़ आप चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिवली रिप्लाई करो सो दैट उतना ही सेशन आपके लिए भी प्रोडक्टिव हो सकता है. फास्ट, वाई सेशचलम इज इम्पॉर्टेंट. फास्ट, यस, ओके, ठीक है. एनीवेज तो देखो सेशचलम हिल्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज तिरुपति बालाजी, शायद आप लोगों ने सुना होगा ना, पिलग्रिमेज साइट. सो दैट इज द तिरुपति बालाजी इज ऑन सेशचलम हिल्स. ओके, तो सेशचलम हिल्स पे आते तिरुमलाई या तिरुपति बालाजी, ऐसे जो मतलब पिलग्रिमेज साइट इंपॉर्टेंट, तो दैट इज ऑन द सेशचलम हिल्स. एंड सेशचलम हिल्स आता है आंध्र प्रदेश में, ईस्टर्न घाट का पार्ट है याद रखना. एंड यहाँ पे रेड सैंडल्स जो कि एक ट्री स्पीसीज होती है, मोस्टली सैंडल्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो रेड सैंडल्स होगा, या स्लेंडर लोरिस, ये फौना स्पीसीज है. सो स्लेंडर लोरिस यहाँ के की स्पीसीज में आ जाएगी, ठीक है. एंड इसका ही थोड़ा नॉर्दर्न मोस्ट अगर देखा जाए तो NSTR नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वी कैन से द सेशचलम हिल्स, और जो कि इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आ जाएगा, ठीक है. सो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, जो कि इस साल का यूपीएससी का क्वेश्चन था. एंड दैट इज द NSTR जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, NSTR. ओके, सो याद रखना NSTR ये सेशचलम के थोड़ा नॉर्थ की तरफ आएगा. And it is the largest tiger reserve of India. So can you please tell me that? So which is the smallest tiger reserve of India? Yes. Fast. Yes. Please reply fast. Which is the smallest tiger reserve of India? ओके फाइन, आई थिंक आपके एंड से थोड़ा सा आंसर लेट आ रहा है, ठीक है. सो चलो एनीवेज, तो देखना बोर इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया. ओके, सो बोर इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया. ओके, सो ये याद रखना आपको, शायद इस पर भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है. सो बोर इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया जो कि महाराष्ट्र में आता है, ठीक है. एंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो सेशचलम के नॉर्थ में आ जाएगा, दैट इज द NSTR नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है. सो देख लो सेशचलम हिल्स में आता है ये, तो सेशचलम हिल्स बहुत ही एंगल से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट होगा. एंड आंध्र प्रदेश की स्पीसीज रेड सैंडल्स एंड स्लेंडर लोरिस, सो ये पॉइंट हमने देखे. एंड लास्ट दैट इज द 18th बायोस्फीयर रिजर्व. एंड यस, वेर इज बोर, यस कुमार नीलवनी, यस बोर इज इन महाराष्ट्र, यस दैट इज इन द महाराष्ट्र. बोर कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में. ओके, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, ओके अंडरस्टूड कुमार नीलवनी, यस ओके गुड. एनी मोर क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है किसी का? ओके, ठीक है. सो चलो नेक्स्ट देखते हैं पन्ना, विच इज द रिसेंट वन जो कि रिसेंट बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा. एंड दैट इज डिक्लेयर इन 2011. तो जो लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व था तो वो डिक्लेयर हुआ था पन्ना. एंड प्लीज याद रखना, आपको क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा इंडिया में. So like this, okay. So the biosphere reserve that was established the most recently. So your answer should be Panna. I intends to take we can say कि जो अब ये ऐसे टेस्ट मुझे लेना था आपका, या फिर क्विज भी लेने थे, but the problem is that YouTube पे जो आपका receiving होता है वो थोड़ा सा late हो जाता है live का. So it is not possible to conduct the test. Okay, so ठीक है anyways, okay. Yes, MP में नहीं, बोर महाराष्ट्र में आएगा, वर्धा ऐसे कुछ regions आते हैं, तो देख लेना. शोभित, तो बोर कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में, नॉट एमपी, ठीक है. वर्धा ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह आते हैं उनके, वहाँ पे तो वहाँ पे आपको बोर दिख जाएगा, ठीक है. सो विच इज द स्मॉलेस्ट वन, ओके अंडरस्टूड शोभित, यस यस आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द पन्ना, यस हाँ पन्ना ये तो स्मॉलेस्ट, यस इट इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व. जो पन्ना आता है वो स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व रहेगा, ठीक है. तो वो आएगा, देखो यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड जो कि यूपी एंड एमपी के बॉर्डर पे आता है. सो उसके ईस्ट में आएगा पन्ना, ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया. ओके अंडरस्टूड एवरीवन, ओके ओके यस शोभित अभी समझ गया, थोड़ा सा लेट रिसीव होता है सो दैट आई डोंट अंडरस्टैंड क्या आपने एग्जैक्टली किसके रिलेटेड आंसर किया. ओके सो यस ओके ओके गुड। सो देखो पन्ना समझ गया सबको, पन्ना आता है बुंदेलखंड रीजन के ईस्ट में और विंध्य के नॉर्थ में, दैट इज द पन्ना विच इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया एंड जो कि रिसेंटली बना था 2011 में। एंड ये केन रिवर देखो यहाँ से फ्लो होती है, पन्ना से कौन सी रिवर फ्लो होती है शायद वो भी क्वेश्चन बन सकता है। सो दैट इज द केन रिवर। ओके सो केन रिवर फ्लोज फ्रॉम द पन्ना। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज देख लेना, टाइगर है, चित्तल है, चिंकारा जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, चिंकारा बहुत सारा न्यूज़ में चल रहा था, सांबर एंड स्लॉथ बियर एंड केन रिवर पासिस टू द पन्ना। ओके सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन से रिवर पास होते हैं, तो शायद मुझे लगता है जैसे इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से जो कावेरी रिवर फ्लो होती है तो उसके आसपास कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरीज या प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से रहेंगे। ठीक है तो वही काइंड से मुझे लगता है इस मतलब नेक्स्ट टाइम में आपको ये देखना है कि मानस रिवर है या फिर पन्ना है तो केन रिवर फ्लो होती है, तो या मल्टीपल जो भी आप हमने अभी तक देखे। तो मैंने आपको ऑलरेडी रिवर्स भी बताया कि जैसे सिंपली पाले तो उसके साउथ में महानदी है एंड नॉर्थ में ब्राह्मणी बैतरनी रिवर्स आते हैं। सुंदरबन तो चलो आपको पता तो होना ही चाहिए, ठीक है सो दैट इज़ नॉट द इशू। ठीक है सो जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं तो मैंने आपको सबके रिवर्स तो आपको बता दिए थे। यस इंडिया के नहीं ऐसे कुछ नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन्स है शोभित कि जहाँ पे आपको बायोस्फीयर सॉरी जो टाइगर रिजर्व है तो वो नहीं दिखेंगे। ठीक है इवन दो जहाँ पे है मतलब 50 टाइगर रिजर्व्स है टोटल, तो जो टाइगर रिजर्व्स ऐसे भी है कि जहाँ पे अभी काउंट जीरो निकला इस बार। तो रिसेंटली जो टाइगर रिजर्व के या टाइगर सेंसस हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव ऑलमोस्ट यस 2967 टाइगर रिजर्व्स, मतलब इसके पहले 2226 कुछ हमारे टाइगर रिजर्व सॉरी टाइगर के नंबर्स थे, अभी वो नंबर्स 2967 तक गए। सो डंपा एंड बक्सा यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ज़ीरो टाइगर निकले। ठीक है सो ऐसे बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स है कि ऑलरेडी जो है उनमें भी आपके नंबर्स अगर देखे जाए तो ज़ीरो हो गए डंपा एंड बक्सा में। ठीक है तो ऑलमोस्ट टाइगर देयर इज़ द नो काउंट, ऑलमोस्ट ज़ीरो काउंट हुआ है। ओके एंड ऐसे बहुत सारे स्टेट है कि जहाँ पे टाइगर रिजर्व भी अगर हम देखा जाए तो ज़ीरो के आसपास हो सकते हैं या फिर देयर इज़ नो टाइगर रिजर्व। ठीक है सो आप उसकी लिस्ट एक बार देख सकते हो, you will get to know that, okay? And second thing is that, so can you please tell me that कि टाइगर्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पे आएंगे इंडिया में, कौन से स्टेट में आते हैं? यस फास्ट यस प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स। यस शोभित यस, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टाइगर्स? यस ओके आई थिंक थोड़ा सा लेट रिप्लाई आ रहा है आपके एंड से। सो नोट दैट एमपी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया। ओके सो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सेकंड पे आता है उत्तराखंड, थर्ड पे आएगा कर्नाटक एंड फोर्थ इज द महाराष्ट्र। ठीक है तो ऐसे कुछ नंबर्स याद रखो, एटलीस्ट टॉप 3 यू शुड नो अबाउट द टॉप 3 स्टेट्स। ओके तो वो देख लेना नंबर्स कहाँ पे कम हुए कहाँ पे इंक्रीज हुए तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। यस 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 नहीं कुमार वो अलग फैक्टर है, अगर जिम कॉर्बेट वगैरह वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप दे रहे हो, एमपी मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, एमपी आ जाएगा। ठीक है क्लियर यहाँ तक सबको। एंड नंबर वाइज देखा जाए तो वैसे पेंच में आते हैं, पेंच में सबसे ज़्यादा टाइगर्स आपको दिख जाएगी पेंच में, और उसके भी कुछ अवार्ड्स वगैरह उन्होंने डिक्लेयर किए थे तो वो एक बार चेकआउट कर देना। यस यस विशाल वेरी नाइस, आई थिंक विशाल ने तो नंबर भी पुट कर दिए। एंड जो कि सेकेंड इंडिया के बाद सेकेंड नंबर किसका लगता है? रशिया का। ठीक है तो रशिया में जो आपको टाइगर्स दिखेंगे तो वो आते आई थिंक 400 के आसपास कुछ आते हैं, और उससे ज़्यादा तो हमारे अकेले एमपी में आते हैं। ठीक है तो ये भी एक और एक अच्छा फैक्ट है कि देख लो मतलब जो सेकंड वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट टाइगर्स के नंबर अगर देखे जाए तो वो आते हैं रशिया में, ऑलमोस्ट 400 के नियर बाय। ठीक है तो एग्जैक्ट नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो याद रखें हम यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर द स्टेट एग्जाम तो तब आपको नंबर शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट मोस्टली यूपीएससी के लिए तो देखा जाए तो नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट एनालिसिस आपका होना चाहिए। ठीक है सो 400 अगर देखा जाए तो नियर बाय 400 रशिया के आसपास, रशिया के अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर है, तो उससे ज़्यादा तो हमारे एमपी में निकल जाता है। ओके एक बार डेंसिटी के लिए आप थोड़ा सा चेकआउट कर लो। ठीक है सो डेंसिटी रिगार्डिंग अगर होगा तो यू नीड टू चेक दैट। ओके सो लगा तो हम एक बहुत अच्छा सेशन रखेंगे। ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर्स में तो वैसे कवर कर लिया ये पार्ट। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द करंट अफेयर्स ऑफ मतलब एनवायरनमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज है तो ऑलरेडी हमने पूरा जितना भी सेंसस है, टाइगर सेंसस होगा या फॉरेस्ट सेंस मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होगा ISFR 15 का, तो ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है वहाँ पे एनवायरनमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज सेशंस। एंड उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ऑलरेडी, जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे अनअकैडमी आर्टिकुलेट पे, तो वहाँ पे पूरे साल का राइट फ्रॉम द जून 19 टू जून 2020 का पूरा कवरेज है। एंड उसके बाद का अगर देखा जाए अगस्त सितंबर मतलब सॉरी जुलाई अगस्त एंड सितंबर 2020, तो इसका पूरा कवरेज मैंने जो फ्रीली अवेलेबल आपके लिए फ्री क्लासेस में अवेलेबल है एंड दैट इज़ ऑन अनअकैडमी। आपको कंप्लीटली फ्री जो भी करंट अफेयर्स एनवायरमेंट में डे वाइज आया था तो वो पूरा आपके लिए अवेलेबल होगा वहाँ पे, ठीक है, एवरी डे वाइज। मतलब जो द हिंदू में न्यूज़ आई थी तो उसका पूरा 360 डिग्री कवरेज। सो ऑलरेडी आपको अनअकैडमी ऐप में जस्ट सुमित कोंडे टाइप करना, आपको स्पेशल क्लासेस में फ्रीली अवेलेबल होगा। एंड आने वाले 15 तारीख को हम जो अक्टूबर 15 को फर्स्ट 15 डेज के अक्टूबर का कवरेज करने वाले हैं, ठीक है। सो ये बहुत इमेंसली इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर मतलब अभी 20 का जो अटेम्प्ट था तो उसमें डायरेक्टली हमारे सेशन से 9 क्वेश्चन हिट हुए थे, ठीक है, एज इट इज़, ठीक है। तो इसलिए मतलब मेरे सेशन छोड़ दो बट द हिंदू से हिट हुए थे, ठीक है, ये मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। सो द हिंदू से एज इट इज़ हिट हुए थे तो वही मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किया, ठीक है। तो आप लगा तो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यस सर, इज देयर एनी प्लेलिस्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट कोर्स? यस, ऑलरेडी मतलब अनअकैडमी आर्टिकुलेट पे जून 19 टू जून 20 का पूरे साल का द हिंदू न्यूज़ कवरेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी आर्टिकुलेट पे देख लेना, एनवायरमेंट कोर्स में आपको दिख जाएगा, मेरा ही कोर्स है तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। एंड अगर नहीं मिलता है तो सिंपली आप अनअकैडमी ऐप पे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, सो दैट इज़ आई थिंक बेस्ट रहेगा आपके लिए बिकॉज आप रिवाइज कर सकते हो पीडीएफ्स को, ठीक है। सो अनअकैडमी ऐप इज़ द बेटर ऑप्शन, ओके, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट देखते हैं, चलो। सो नेक्स्ट है ऑलरेडी, चलो ये क्वेश्चन तो हम थोड़ा पॉसिबली नहीं हो सकता है क्योंकि आपके मैसेज और मेरे इसमें ऑलमोस्ट 1 मिनट का डिफरेंस, 60 सेकंड का डिफरेंस है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। बट हम एक टेंटेटिवली क्वेश्चन एक देख लेते हैं यूपीएससी में कैसे पूछे गए थे ये सब पार्ट्स पे। तो देख लेना, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऐसे कुछ आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 रेस्ट्रिक्ट्स एंड रेगुलेट्स द डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। सो एक जस्ट एक 10 सेकंड में ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप सोचो और आपको खुद को एनालिसिस करना है इसका, ठीक है, बिकॉज ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ मैं और बिकॉज अपना रिसीविंग एंड जो है तो ऑलमोस्ट 60 सेकंड का फ़र्क पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आपका टाइम ना जाए, हम ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन करें जो भी हमको गिवन टाइम है उसमें। सो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रेक टाइम देता हूँ, आप उसमें खुद का एनालिसिस कर लो, ठीक है। आंसर यहाँ पे नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। यस, मेंस के लिए गाइडेंस, ओके ओके, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड, ओके। थोड़ा सा लेक्चर एक थोड़ा कवर होने दो, फिर मैं डेफिनेटली मेंस के लिए बता दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है, ओके। वेरी नाइस, आई थिंक कुमार ने आंसर दिया है बी। सो दैट इज नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर अंडर द डिक्लेयर अंडर विच एक्ट? यस, दैट इज नॉट वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वेरी नाइस, 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है तो उसके अंडर डिक्लेयर होता है, प्लीज नोट दैट, नॉट अंडर द 1986 एक्ट, ओके। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आपको देखा जाए तो दैट इज जो हमारा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी होगा या नेशनल गंगा काउंसिल है, तो ये ऐसे पार्ट्स आते हैं इसके अंडर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। सो मोस्टली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको याद रखना है 1972, इसके अंडर डिक्लेरेशन होता है किसका, नेशनल पार्क होगा, सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व है, इनका डिक्लेरेशन होता है, ओके। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ओके। और इसके हेड होते हैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो ये याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही आता है ये। तो ऐसे ही पार्ट्स मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो सेकंड ओनली इज़ द आंसर, ओके। सो दैट इज़ द बी आंसर यहाँ पे। सो ये तो चलो ये तो सही रहेगा, ठीक है। नॉन फॉरेस्ट वगैरह अगर आपको करना है तो यू नीड टू गो थ्रू दिस एक्ट, ओके। सो देखो यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट है, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 so consolidate the law relating to the forest and the transit of forest produce and duty leviable on timber and other forest produce। तो जो भी forest produce होते हैं या उन पर जो duty लगेगी तो वो Indian Forest Act 1927 के अंडर आएगा, या फिर जो भी minor forest produce होता है, ठीक है, minor forest produce, तो वो जो parts है मतलब forest produce कौन सा होना चाहिए, जैसे तेंदू लीव्स है तो तेंदू लीव्स पे अभी रेस्ट्रिक्शन डाला गया था इंडिया में बिकॉज तेंदू लीव्स की वजह से, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में बताया गया था कि 20% इंडिया का जो फॉरेस्ट है तो दैट इज़ वेरी प्रोन टू द सीवियरली प्रोन टू द फॉरेस्ट फायर इवेंट्स। ठीक है। तो इसलिए फिर अभी तेंदुल यूज़ पे बहुत रेस्ट्रिक्शन डाले जा रहे हैं और इसका एडवर्स इम्पैक्ट किस पे हो रहा है, ट्राइबल लोगों पे हो रहा है, ठीक है। सो एनीवेज याद रखना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अगर ये देखा जाए तो वो रिलेटेड टू द फॉरेस्ट ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होता है या उन पर जो ड्यूटी लगाया जाएगा, या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, बाम्बू किस में आएगा, तो ये सब चीज़ें किस पे यहाँ पे आपको दिखेगी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में दिखने वाला है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अगर देखा जाए तो वो कंजर्वेशन पे बातें करता है कि कितना डी रिजर्व करना है, कितना रिजर्व करना है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़े राइट्स आ जाते हैं। तो ऐसे बातें जो है तो वो 1980 के एक्ट में होगी। एंड 72 था तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही है कम्प्लीटली, ओके। सो ये देख लो, इसका आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड इन इंडिया इज प्राइमरली वेस्टेड विद द यस फास्ट। सो यस आई थिंक आई गिव, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे सकते, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो देखो यहाँ पे कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया प्राइमरी वेस्टेड विद द यस स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे गलती से भी आप, मतलब ये कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ये तो सेंट्रल नहीं कर सकता है, वो तो आपको लॉजिकली कट करना चाहिए था। लोकल गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट इतने मतलब वी कैन से कि इतना भी डिसेंट्रलाइजेशन कोई होना ज़रूरी नहीं है। एंड रामसर कन्वेंशन ये कोई कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट नहीं करेगी, मतलब साइट्स वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो जनरली वहाँ तक होती है चीज़ें। तो आंसर शुड बी बी, स्टेट का काम ही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट सबमिट सम मैनेजमेंट एक्शन प्लान अंडर द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम NWCP एंड देन रिसीविंग द फंड फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे सेंटर से फंड मिल जाते हैं इनको, तो स्टेट विल इम्प्लीमेंट अंडर द NWCP, ठीक है। तो ये स्टेट का काम है, प्लीज़ याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, सो चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय फास्ट। ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट UNEP, FAO, UNFCCC एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। सो आंसर शुड बी यस, सो क्या आंसर होगा इसका, यस आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा दिया आंसर, वेरी नाइस, दैट इज बी, FAO, वेरी नाइस, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ टेल मी दैट, चलो ये तो निकालेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली अभी रिसेंट इनका भी रिपोर्ट रिलीज हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है सेंट्रल अफ्रीका में, प्लीज़ नोट दैट, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, अभी रिसेंट इसका भी रिपोर्ट आया था। सो मैं जितना हो सकता है उतना करंट आपको यहाँ पे टच करके दूंगा, ठीक है। सो सेंट्रल अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है रिसेंटली, कुछ लास्ट 10 ईयर्स में, तो ये ऐसे कुछ इनके डेटा आते हैं। ओवरऑल ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, तो ऐसे कुछ रिपोर्ट्स थे। सो एनी हाउ मुझे लगता है यहाँ पे देख लेना, ISFR कौन निकालता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि 19 में अभी रिलीज हुआ था। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, यस फास्ट, कौन पब्लिश करता है इसको, इंडिया का है ना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय फास्ट, बताओ कौन करता है पब्लिश फास्ट। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, यस ओके, चलो बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया है वैसे आंसर, FSI दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ओके। सो ये इसको पब्लिश करता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश दिस बाइनियल, मतलब याद रखना 2 साल में एक बार बाइनियली इसको पब्लिश करते हैं, बाइनियल मतलब वंस इन अ 2 ईयर, ओके, वंस इन अ 2 ईयर, सो इसको हम कहेंगे बाइनियल प्रोग्राम, ठीक है। सो बाइनियल मतलब क्या होता है कि 2 साल में एक बार ये पब्लिश होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको 2 साल में एक बार पब्लिश करता है। जैसे कि लास्ट ISFR रिपोर्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आया था, 2017 में, और उसके बाद अभी आया 19 का, तो ये किसने पब्लिश किया, FSI ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये खुद जाके क्या प्लांट नहीं गिनते, ये क्या करेंगे कि सैटेलाइट के जो डेटास होते हैं, तो वो सैटेलाइट्स के डेटास के थ्रू डेफिनेटली यहाँ पे क्या करते हैं, अपने अपने रिपोर्ट पब्लिश कर देते हैं। सो दैट इज द ISFR रिपोर्ट, ओके। एंड जो 2 साल में एक बार होता है, सो दैट इज बाइनियल। एंड बाय एनुअल मतलब क्या होता है कि 2 साल में 2 बार, ठीक है। सो दैट इज रॉन्ग, अगर देख लेना आंसर में क्या, स्टेटमेंट में क्या दिया है, इफ बाय एनुअल इज देयर सो दैट इज रॉन्ग, एंड इफ बाइनियल इज देयर सो दैट इज राइट, बाइनियली होना चाहिए, ठीक है। एनुअल मतलब साल में 2 बार होता है, ओके, और यहाँ पे वंस इन अ 2 ईयर है, मतलब बाइनियल होना चाहिए। सो ऐसी कुछ यहाँ पे बातें होगी। एंड सेकंड है कि यही आई एस एफ आर अगर आप देखते हो तो अभी रिसेंटली 19 का, अब इसके बाद 21 में आएगा, और उसका अगर रिपोर्ट देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग कितना फॉरेस्ट है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू ISFR 2019 कितना फॉरेस्ट है इंडिया में, फास्ट कितना फॉरेस्ट है इंडिया में, प्लीज टेल मी द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया. यस, हाउ मेनी परसेंटेज अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 33%. सो अब इंडिया ने उतना अचीव किया है क्या? चलो आपके एंड से टाइम तो लगने वाला है आंसर आने में, बट ठीक है चलो यहाँ पे बता देता हूँ 24.56% इंडिया हैव 24.56% एग्जैक्टली. यस, वेरी नाइस विशाल, वेरी नाइस विशाल ने देखो सही आंसर दिया है. सो दैट इज 24.56% इंडिया हैव फॉरेस्ट कवर ऑफ 24.56%. कैन यू प्लीज टेल मी दैट कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाइज कहाँ पे ज़्यादा है, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे इंडिया में, एरिया वाइज? यस फास्ट, एरिया वाइज फॉरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है? यस, ट्री प्लस फॉरेस्ट विशाल एक टेंटेटिवली कंसिडर किया जाता है तो फॉरेस्ट कवर ही बोला जाता है उसको. आप जितने भी रेफरेंस उसमें चेकआउट कर लेना. सो दैट विल बी द फॉरेस्ट कवर, दैट इज 24.56. यूपीएससी इतना डेप्थ में नहीं जाएगी कि ट्री कवर कितना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है, सो प्लीज़ सिंप्लीफाइड रखो इसको. एंड यूपीएससी में अगर आप देखोगे बहुत डिटेल में नहीं जाते वो. ठीक है, सो वेरी नाइस. एमपी दिया है, बहुत एरिया वाइज देखा जाए तो एमपी में ज़्यादा है सबसे. एंड सेकेंड आता है दैट इज वी कैन से कि जो परसेंटेज वाइज होता है, मतलब वो टेरिटरी के परसेंटेज वाइज होगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकलेगा, मिजोरम. ओके, सो मिजोरम हैज़ द लार्जेस्ट बाय परसेंटेज. ओके, सो मिजोरम में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है. ओके, क्लियर है. एमपी में आएगा एरिया वाइज एंड परसेंटेज वाइज आएगा मिजोरम में. ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ISFR. तो आप यहाँ पे देख लेना, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि फॉरेस्ट वाइज कौन से टॉप 3 स्टेट्स है एंड बॉटम 3 सबसे कम फॉरेस्ट कौन से स्टेट में होगा या कौन से यूटी में होगा. बॉटम में देख लेना, एक बार चेकआउट कर लो. ठीक है, टॉप 3 एंड बॉटम एटलीस्ट 2 वो एक चेकआउट करना है. फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, ये आपका आपके लिए थोड़ा होमवर्क देता हूँ. फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ है एंड फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ पे हुआ है वो चेक करना है. ओके, सो ये चेक कर लो एक बार. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज एटलीस्ट टॉप 2 कंट्रीज, सॉरी टॉप 2 स्टेट्स, एंड फॉरेस्ट कवर डिक्रीज एटलीस्ट टॉप 2 स्टेट्स. ओके, तो ऐसे ये पूरा ऐसे पर चेक कर लो. 19 में है तो डेफिनेटली आपको अगर 2021 का यूपीएस मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो तब तक तो नेक्स्ट फॉरेस्ट का रिपोर्ट तो नहीं आएगा, तो आपको जो डेटा पूछा जाएगा तो यही डेटा पूछ सकते हैं अगर पूछना है उनको तो. ठीक है, सो चलो नेक्स्ट देखते हैं. सो वही है फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया है यहाँ पे. तो याद रखना वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट ये जनरली FAO निकालता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो चलो यहाँ तक हमने देखा है और कुछ क्वेश्चन हम देखना चाहते हैं. ठीक है, सो वो देखते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट. ये पूरे बायोस्फीयर रिजर्व पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो हम फास्ट ओवरलुक कर लेते हैं एक बार. ठीक है, सो दैट इज जस्ट बेटा. सो जस्ट टेल मी दिस अबाउट दिस आंसर. ओके, सातपुड़ा माउंटेन रेंजेस क्रॉसेस इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and biosphere reserve lies directly in its center and there is a plateau borrowing name from this biosphere reserve which is also known as Queen of Satpura. The biosphere reserve is. देखो ऐसे ही UPSC क्वेश्चन बनाती है बहुत बार. ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको ये क्वेश्चन. ठीक है, तो सातपुड़ा ऑलरेडी मैंने ये हमारे डिस्कशन में कवर किया है. सो अगेन आई रिपीट, आई नो आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है वहाँ पे. ओके, सो देखो सातपुड़ा माउंटेन रेंजेस क्रॉसेस इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड द बायोस्फीयर रिजर्व लाइज डायरेक्टली इन इट्स सेंटर. ओके, डायरेक्टली इन इट्स सेंटर एंड देयर इज अ प्लाटू बोरोइंग नेम फ्रॉम द बायोस्फीयर रिजर्व विच इज आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ सातपुड़ा. द बायोस्फीयर रिजर्व इज. सो नाउ टेल मी द आंसर क्या होगा इसका आंसर. यस सर, स्वयं डियर वाला कभी न्यूज़पेपर में तो नहीं. हाँ यस कुमार, ठीक है, तो स्वयं डियर वाला नहीं था बट वही है. ऐसे क्वेश्चन आई विल सजेस्ट कि अगर देखो मतलब आउट ऑफ तो 200 किसको नहीं आने वाले. ठीक है, तो ऐसे हर एनवायरनमेंट में ले लो आप, या कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले लो तो उसमें आपको एटलीस्ट 70% भी आते हैं, 70% क्वेश्चन आते हैं. सो दैट इज़ मोर देन इनफ. देर इज़ नो नेसेसिटी टू अटेम्प्ट ऑल 100, मतलब आउट ऑफ 100% हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 70 to 80%, ओके. एंड जो 70 to 80% था वो पूरा आया था द हिंदू से, ओके. सो वो तो होगा करेक्ट में, ठीक है. चलो नेक्स्ट है. चलो बहुत लोगों ने अच्छा आंसर दिया है बट स्टिल प्रॉपर आंसर एक ही स्टूडेंट ने दिया है, दैट इज़ विशाल. ओके गुड विशाल, दैट इज़ द डी पंचमढ़ी. ओके तो पंचमढ़ी विल बी द आंसर बिकॉज क्वीन ऑफ सातपुड़ा हमने देखा था ऑलरेडी, हमने ये पार्ट कवर किया था कि जैसे मैंने आपको बताया था राजपिपला, महादेव, गाविलगढ़ एंड मैकल. तो मैकल के पास आता है अचानकमार अमरकंटक, तो ये तो ईस्टर्न मोस्ट आ गया, ठीक है. तो ईस्ट में आता है ना, मैंने कितनी बार आपको पढ़ा था, तो ये ईस्ट की तरफ आता है. ओके क्लियर है सबको. तो अचानकमार अमरकंटक ये ईस्ट की तरफ आएगा, तो ये ऑप्शन तो कट होना चाहिए. सिम्पलेपाल तो उड़ीसा में आता है, ये तो ऑप्शन आपने कट कर दिया. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये तो पूरा साउथ की तरफ आता है, तो वो भी कट हो गया. तो बचता है कि ये पंचमढ़ी जो कि आता है सातपुड़ा के सेंटर में, गाविलगढ़ रेंज जो कि महाराष्ट्र एंड एमपी के बॉर्डर पे आता है गाविलगढ़, तो उस पर आएगा ये पंचमढ़ी, ठीक है. तो पंचमढ़ी शुड बी द आंसर. ओके क्लियर है यहाँ तक? यस तो ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है एंड वैसे ही आपको बायोस्फीयर रिजर्व आइडेंटिफाई करना होता है जनरल. ओके ओके ठीक है. नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ द, देखो यूनेस्को में अगर देखा जाए तो ये सात जनरली जो आपको दिख रहा है पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी में और क्या क्या इंक्लूडेड है, दैट इज बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी, सातपुड़ा नेशनल पार्क, तो इसके पार्ट आते हैं यहाँ पे. एंड उसके बाद थोड़ा सैल फॉरेस्ट वगैरह भी यहाँ पे आ जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये 1999 एक्सेट्रा यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज द वन दैट लाइज फारदेस्ट इन द साउथ, सो व्हाट शुड बी द आंसर? अमंग द प्रोटेक्टेड एरियाज दैट द वन दैट लाइज फारदेस्ट इन द साउथ, सो व्हाट शुड बी आंसर? यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करो. यस किसी का कुछ क्वेश्चन है सर? अचानकमार अमरकंटक सिर्फ एमपी में है या छत्तीसगढ़ में भी है? अचानकमार अमरकंटक अगर देखा जाए कुमार, सो ये एमपी एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आता है, ठीक है याद रखना. देखो मैकल अचानकमार अमरकंटक जो पार्ट है तो वो मैकल के थोड़ा सा ईस्ट में आता है और यहाँ पे एमपी का एंड होता है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है. तो उसके बॉर्डर्स पे तो एमपी एंड छत्तीसगढ़ बोथ, ओके अचानकमार अमरकंटक के लिए. ओके कुमार, ओके ओके ठीक है. चलो आपके ये आंसर्स भी आ रहे हैं, दैट इज 6 क्या है ये जयंत, 6 क्या आएगा ये, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है. तो चलो ऑप्शन 3 दिया है किसी ने, वो गलत है. बी एंड आई थिंक सी दिया है, सब गलत हो रहा है, क्या कर रहे हो? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फारदेस्ट टू द साउथ, साउथ के में आना चाहिए, बहुत साउथ की तरफ कौन सा इसमें से? यू नीड टू रिवाइज एवरीवन, प्लीज़ याद रखो रिवीजन बहुत ज़रूरी है एंड अंडरस्टैंडिंग. और ये मैंने लिया है मेरे पूरे, अभी कल और आज के सेशन में ये पूरा कंप्लीट हुआ है हमारा पार्ट, प्लीज़ उसको केयरफुली करो, प्लीज़ डू नॉट टेक इट लाइटली बिकॉज यूपीएससी मोस्ट ऑफ द ऐसे ही काइंड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है. सो चलो देखते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क. अभी देखो मुद्दुमलाई, राजीव गांधी तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जो होता है वो तो यहाँ से कट कर दो, राजीव गांधी तो निकलना चाहिए जो कि रिसेंटली न्यूज़ में भी था. एरे अगर देखा जाए द हिंदू में आपने पढ़ा होगा, एरे का ऐसे कुछ एरियाज है कि ऑलमोस्ट वी कैन से 400 एकड़ का पार्ट उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया है, ठीक है. रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर दिया इसको अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर. एरे जो एक मिल्क प्रोड्यूसिंग ऐसे कुछ महाराष्ट्र में आता है मुंबई के पास, 400 एकड़ का उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया एंड दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट काइंड कि वर्ल्ड में से पहली बार हुआ है कि कोई मेट्रोपोलिटन के पास इतना बड़ा एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर आया है. सो इसलिए ये तो बहुत ही न्यूज़ में था, ये तो महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र इतना साउथ की तरफ नहीं है याद रखो, तो ये तो राजीव गांधी तो निकल गया. तो थोड़ा लॉजिकली करंट से अप्लाई करो इसको, इवन इफ यू डोंट नो अबाउट द आंसर बट एटलीस्ट एलिमिनेशन सीखो. तो नेक्स्ट होता है देखो अभी मुद्दुमलाई, साइलेंट वैली एंड बांदीपुर, सो ऑल थ्री आर द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. सो ये तीनों के तीनों किसके पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है. अब यहाँ पे आपको ए बी एंड डी में तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बट वही है, रिविजन यहाँ पे मेन हो सकता है आपका. तो देखो नगर होल थोड़ा ऊपर की तरफ आता है, दैट इज नगर होल, इन बिटवीन आता है, सबसे सेंटर में आता है तो दैट इज द बांदीपुर. बांदीपुर आता है जंक्शन पे, एग्जैक्टली नीलगिरी के जंक्शन पे आता है बांदीपुर, ओके, सो बांदीपुर तो एग्जैक्टली जंक्शन पे आ गया, ठीक है, तो वो तो नहीं होना चाहिए बिकॉज मोर साउथ में और दो तीन आते हैं। उसके बाद मुदुमलाई देखा जाए तो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है, बांदीपुर के ईस्ट की तरफ आएगा, एंड सबसे साउथ में मतलब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, तो ये आता है यहाँ पे साइलेंट वैली, ओके। और इसके बाद आएगा पालघाट गैप, इसके बाद आएगा पालघाट गैप और पलक्कड़ गैप जिसको हम बोलते हैं, और इसके बाद आएगा अन्नामलाई रेंज, ठीक है। सो सदर्न मोस्ट अगर देखा जाए इसमें से, अगर इसमें से सदर्न मोस्ट देखते हो, सो योर आंसर शुड बी ए, साइलेंट वैली, ठीक है। तो याद रखना साइलेंट वैली ये सबसे साउथ में आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट में। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से आते हैं, देखो नगर होल, देन सेकेंड इज द मुद्दूमलाई, ओके, देन उसके बाद बांदीपुर, देन उसके बाद हम देख सकते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये उसके पार्ट है, तो उसमें से सब में आता है, सबसे साउथ में तरफ के आएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ओके, तो याद रखना। और इसके बाद फिर पालघाट गैप है, और फिर अन्नामलई, और अन्नामलई में अगस्थ्यमलई आता है, और अगस्थ्यमलई में फिर वो आएंगे नेयार, पेपारा, शेंदुरुनी, ओके, एंड कलक्कड़, मुंडनथुराई। तो ये सब आएंगे साउथ में और भी साउथ में, बट केएम मतलब यहाँ पे आपको अगस्थ्यमलई का कोई भी पार्ट नहीं दिया है, तो वो आप इजीली मतलब आपको बहुत सिंपल काम हो जाता है कि अगस्थ्यमलई का पार्ट ही नहीं है इसमें, सबके सब ये तीनों भी ए, बी एंड डी, ये तीनों के तीनों पार्ट किसने, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के, तो उसमें से सबसे साउथ में तरफ कौन आएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन, ओके, सो देख लेना, सो दैट इज आंसर इज ए, साइलेंट वैली इज वन ऑफ द लास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न घाट, माउंटेन्स, रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे आएगा, एंड कंटिन्यूस विद द प्रपोज करीमपुंजा नेशनल पार्क, ऐसे कुछ बनने वाला है टू द नॉर्थ, करीमपुंजा इसके नॉर्थ में आता है, मुखुर्ती, हाँ और एक बताना आपको रह गया, सो दैट इज मुखुर्ती, ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, मुखुर्ती ये इसके नॉर्थ ईस्ट में आएगा, मुखुर्ती इज टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट एंड इट इज़ द कोर पार्ट ऑफ द नीलगिरी, ऑब्वियसली मैंने आपको अभी बताया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट ही है, एंड वेस्टर्न घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आता है, ठीक है। तो ऐसे और भी आपको फैक्ट्स चेकआउट करने चाहिए। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस बार यूपीएससी ने पूछा था उसी काइंड से मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया है, सो आई होप आपको आ सकता है। सो देयर इज नो सेटलमेंट इन द नेशनल पार्क, इट इज कंपोज्ड इन द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एंड रजिस्टर्ड अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एंड इट इज नोन फॉर द मिडो ऑफ एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स। सो व्हाट शुड बी द आंसर? देयर इज नो सेटलमेंट इन द नेशनल पार्क, इट इज एनकम्पसेस इन द नंदा देवी reserve. Yes, yes, Kumar. Mukhurti is famous for the Nilgiri Tahar. Okay, चलो आपके लेट आंसर मतलब लेट मुझे मैसेजेस दिखते हैं, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं बीच में से ही कुछ बोल देता हूँ सो दैट आपके मैसेज दिखते हैं, इसलिए बीच में से थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूँ, ठीक है, ओके चलेगा। सो चलो बताओ फिर इसका आंसर क्या है। यस, वेरी नाइस कुमार, गुड, कुमार ने दिया है, चलो सही आंसर है। बाकी स्टूडेंट भी आंसर करो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार यूपीएससी का जो 2020 का क्वेश्चन था डेजर्ट नेशनल पार्क, तो उसके जैसे ही थोड़ा सा बनाने का ट्राई किया है मैंने, देखो फास्ट। देयर इज नो सेटलमेंट इन द नेशनल पार्क, ओके, एंड यूनेस्को में अगर देखा जाए तो सेकंड स्टेटमेंट पे ही आपको आंसर मिल जाता है, दैट इज नंदा देवी, और ये मैंने मेरे सेशंस में अभी जस्ट पढ़ाया था आपको, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे कुछ आता है, एंड इट इज नोन फॉर इट्स मिडो ऑफ एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स, ठीक है, तो उसमें आता है यस डेफिनेटली अल्पाइन फ्लावर्स तो मिलने ही वाले यहाँ पे। एंड इसमें मैंने आपको बताया था बग्याल, ये फेमस ग्रासलैंड यहाँ पे डेवलप होता है बग्याल्स, ठीक है, तो ये आएगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, एंड दैट इज नंदा देवी। नंदा देवी इज द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय, ओके, मिडिल हिमालय का पार्ट आता है नंदा देवी, जो कि कुमाऊं हिमालय में आता है, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड, तो वैली ऑफ द फ्लावर्स, ओके, क्लियर, आंसर इज डी। यस, गुड, वेरी नाइस। सो चलो यहाँ पे समझ गया सबको, ओके। सो नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, दीज हिल्स वेर डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2010 एंड तिरुपति इज अ मेजर हिंदू पिलग्रिमेज टाउन्स इज लोकेटेड इन दिस हिल्स। सो जस्ट मैंने कवर किया अभी थोड़ी देर पहले, सो बताओ क्या आंसर होगा इसका। तिरुपति इज अ मेजर हिंदू पिलग्रिमेज टाउन इज लोकेटेड इन दिस हिल्स, 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे डिक्लेयर किया गया था, जिसमें तिरुपति आता है। देखो तिरुपति जो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, तो कौन सा एग्जैक्टली पार्ट है वो? अनंतगिरी हिल्स, शेषचलम हिल्स, अगस्थ्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व एंड सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट आंसर दिया है बी कुमार ने, वेरी नाइस कुमार, इज वेरी शार्प है, ठीक है। सुकुमार बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप, बाकी स्टूडेंट भी प्लीज आंसर करो फास्ट। यस ओके, कुमार ने दिया है, ओके विशाल ने भी दिया है, गुड विशाल, ठीक है। तो याद रखना सिंपलीपाल तो नहीं आएगा, वो तो उड़ीसा में आता है, सो ये तो पहले ही कट कर दो आप। अगस्तमलाई मैंने ऑलरेडी आपको बताया अन्नामलई में आता है, जो कि तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर पे है, सो ये तो कट ही हो गया यहाँ पे, बिकॉज तिरुपति कहाँ पे आता है, आंध्र प्रदेश में। सो आंध्र प्रदेश में आपको क्या दिखेगा, दैट इज शेषचलम हिल्स। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था शेषचलम हिल्स, और इसके ही नॉर्थ में NSTR अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको, ठीक है। NSTR नागार्जुन सागर शेषचलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इसलिए शेषचलम याद रखो, शेषचलम हिल्स, तिरुमलाई हिल्स भी इसको कहा जाता है, एंड तिरुपति इस पे आता है, दैट इज ऑन शेषचलम हिल्स, ओके। तो आंसर इज द पी, ओके। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इसका पार्ट है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ दिस, यस, शेषचलम हिल्स, ओके ओके। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड एरिया आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर। ओके, अगेन रिपीट करता हूँ, आई नो आपको थोड़ा सा यहाँ पे राइट कॉर्नर में नहीं दिखेगा, सो इसलिए अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज नॉट लोकेटेड क्लोज टू एन इंटरनेशनल बॉर्डर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई दिस, यस फास्ट फास्ट। क्या होगा इसका आंसर? ओके, शोभित का कमेंट नहीं शो हो रहा है, अभी दिख रहा है शोभित, अभी ट्राई करो फिर से। व्हाट शुड बी द आंसर? नॉट, या याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज नॉट लोकेटेड क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर। सो कुमार ने आंसर दिया है बी, एंड विशाल ने आंसर दिया है डी, ओके ठीक है, चलो वेरी नाइस कुमार, एंड दैट इज द रणथंबोर, गुड, बिकॉज राजस्थान में आता है। बाकी सब यूपी, कांचनजुंगा तो नहीं आना चाहिए, डेफिनेटली कांचनजुंगा तो नहीं आएगा, नहीं। अर्चना रॉन्ग हो गया, अर्चना यहाँ पे, ठीक है, अर्चना एंड विशाल आपका रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। सो देखो कांचनजुंगा तो डेफिनेटली सिक्किम एंड नेपाल के बॉर्डर पे आता है, तो वो तो कट हो गया, चलो ठीक है। एंड उसके अगेन शोभित आपका भी रॉन्ग है, ओनली कुमार इज राइट, ठीक है। दुधवा अगर देखा जाए तो वो भी यूपी एंड नेपाल के बॉर्डर में, वाल्मीकि भी अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे, चलो देखो दुधवा इज ऑन द यूपी एंड नेपाल, नियर टू द नेपाल एंड यूपी बॉर्डर, वाल्मीकि इज ऑल्सो नियर टू द नेपाल एंड यूपी बॉर्डर, एंड हमने एक दिया था कांचनजुंगा, तो कांचनजुंगा भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे नेपाल एंड यूपी के बॉर्डर पे, बट रणथंबोर बहुत ही अंदर की तरफ आता है ना राजस्थान में, तो राजस्थान की तरफ आ रहा है, बराबर है, सरिस्का होगा, रणथंबोर, ये राजस्थान की तरफ आता है। सो नहीं ना शोभित, ओके सर डी, नहीं डी रॉन्ग है, ठीक है। सो आंसर इज द बी, यस आंसर इज बी, बी ओके। सो रणथंबोर रहेगा बिकॉज इट इज नॉट क्लोज टू दिया है, वाल्मीकि भी नेपाल के, हाँ यस, देखो दुधवा, वाल्मीकि एंड कांचनजुंगा, सो ये सब नेपाल के आसपास आते हैं, नेपाल के बॉर्डर के आसपास आ रहे हैं। और क्वेश्चन हमने क्या पूछा था, इट इज which of the following protected area is not close to an international border, not close to दिया है। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, रणथंबोर, बिकॉज रणथंबोर देखो कितना अंदर की तरफ आ रहा है यहाँ पे रणथंबोर, समझ गया सबको? ओके गुड, ठीक है चलेगा, ओके। सो आंसर शुड बी रणथंबोर, ओके ठीक है। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? यस यस यस, वाल्मीकि, यस ईस्ट चंपारण बिहार में आते हैं, यस नीरज, यस ओके। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? एनी क्वेश्चन? ओके गुड, ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को मैप प्रोग्राम आइडेंटिफाइज द ह्यूमन हेरिटेज एंड सपोर्ट देम फाइनेंशियली एंड टेक्निकली, एंड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कवर्स इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। So what should be the answer? Okay, yes. First, UNESCO Man Bias Preserve program identifies human heritage and support them financially and technically, and World Network of Biosphere Reserve covers internationally designated protected areas as recognized by the UNESCO. So what should be the answer? Fast. क्या रहेगा आंसर? चलो कुमार, यस कुमार, ओके द नीरज, विशाल, नाउ विशाल इज गुड। चलो बहुत लोग यहाँ पे अटक गए, चलो ठीक है। तो देखो अगेन रिपीट करता हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आइडेंटिफाइज ह्यूमन, आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा तो देखना, प्रोग्राम आइडेंटिफाइज ह्यूमन हेरिटेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लगा तो, ह्यूमन हेरिटेज एंड सपोर्ट देम फाइनेंशियली एंड टेक्निकली। ओके यस नाउ कुमार, यस परफेक्ट आंसर दिया अभी कुमार ने, एंड चलो ओके विशाल ने भी सही आंसर दिया है। सो चलो देख लेते हैं। सो देखो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आइडेंटिफाइज ह्यूमन, ह्यूमन क्यों करेंगे, ह्यूमन हेरिटेज एंड सपोर्ट फाइनेंशियली एंड टेक्निकली। सो ह्यूमन कहाँ से आ गए, ये तो इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को करेंगे ना कंजर्व, यूनेस्को अगर मैप साइट में देखा जाए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये प्रोग्राम आइडेंटिफाई किसको करता है, इकोसिस्टम या बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ह्यूमन हेरिटेज क्या होता है, मतलब ह्यूमन हेरिटेज ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं होती, सो दैट वन इज रॉन्ग। एंड सेकंड, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कवर्स इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरिया, यस प्रोटेक्टेड एरिया तो ये होते ही, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व होगा तो ये प्रोटेक्टेड एरिया ही होता है एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। सो सेकंड इज राइट, सो आंसर शुड बी बी टू ओनली, इट डज नॉट फंड नो ह्यूमन हेरिटेज एक्सेट्रा, और यहाँ पे ऐसे कुछ ह्यूमन हेरिटेज वगैरह यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है कहाँ पे, ठीक है। सो दैट शुड बी रॉन्ग एंड आंसर इज बी टू ओनली। सो नाउ आंसर दिस, ट्रॉपिकल वेजिटेशन, नेशनल पार्क्स हैव ट्रॉपिकल वेजिटेशन। हाँ यस नीरज, मैंने थोड़ा सा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था आपके लिए कि ह्यूमन्स यहाँ पे लिखा था, ठीक है, बट एनीवेज ठीक है, आई नो कि ह्यूमन हाइड हो गया था, बट ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैव ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ठीक है ट्रॉपिकल, अगेन मैं रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल वेजिटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैव ट्रॉपिकल वेजिटेशन। ट्रॉपिकल वेजिटेशन कहाँ पे मिलेगा आपको, कांचनजुंगा, नंदा देवी, संप्लीपाल, विच वन इज दैट ट्रॉपिकल वेजिटेशन, यस 1 and 2, 2 and 3, 3 only 1 only। सो व्हाट शुड बी द आंसर, फास्ट, विशाल ने दिया है सी, बाकी लोग बाकी स्टूडेंट्स फास्ट करो इसका आंसर, कांचनजुंगा, नंदा देवी, ओके नीरज ने दिया है सी आंसर, ओके गुड, ओके चलो तो सफिशिएंटली सबके आंसर आ गए एंड दैट शुड बी सी, गुड वेरी नाइस, बहुत अच्छा, अर्चना ने भी सही आंसर दिया, सो दैट इज द 3 only, गुड वेरी नाइस, बिकॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना कांचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व में, मैंने आपको बताया था थोड़ा हाई लेवल पे आता है, मतलब हाई अल्टीट्यूड्स पे आता है, सो अल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पे डोमिनेंट होगा। एंड नंदा देवी में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वैली ऑफ फ्लावर्स जिसको हमने देखा था, अल्पाइन वेजिटेशन, यहाँ पे भी अल्पाइन वेजिटेशन आएगा, तो ट्रॉपिकल इज नॉट पॉसिबल, ओके याद रखना। हाँ यस अल्पाइन वेजिटेशन आएगा विशाल, बराबर है, और सिंप्लीपाल इज द वी कैन से कि जो ट्रॉपिकल। अब नाउ टेल मी दैट कि नाम धापा अगर मैं देता हूँ, नाम धापा, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, सो इट डू हैव ट्रॉपिकल काइंड ऑफ वेजिटेशन, नाम धापा में मिलेगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे क्या मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ अल्पाइन वेज सॉरी ट्रॉपिकल वेजिटेशन में, नामधापा, नामधापा अरुणाचल प्रदेश में जो आता है तो उसको ट्रॉपिकल वेजिटेशन में हम कंसिडर कर सकते हैं क्या, यस और नो, यस और नो, फास्ट, yes Kumar says yes, Vishal no, yes fast, reply fast, Namdhapa Arunachal Pradesh, can we include it in tropical vegetation, yes or no, okay chalo Neeraj said yes, Sangeeta good yes, okay next okay okay very nice। चलो विशाल बस याद रखना नो नहीं लिखना है, बिकॉज नामधापा हैज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत ही यूनिक वेजिटेशन मिल देगा आपको, हर इवन दो नामधापा इज ऑल्सो नोन एज अमेजॉन ऑफ द ईस्ट, आप गूगल कर लो या विकीपीडिया पे देख लो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अमेजॉन ऑफ द ईस्ट, ऐसे किसको कहा जाता है, सो दैट इज़ नामधापा, ओके समझ रहा है सबको। सो नामधापा इज ऑल्सो नोन एज अमेजॉन ऑफ द ईस्ट, बिकॉज अल्टीट्यूड वाइज अगर देखा जाए इसका बहुत ही अच्छा एक अल्टीट्यूड आता है, और ऐसे अल्टीट्यूड्स पे मोस्टली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल देन कॉनिफेरस एंड अल्पाइन ऐसे सब काइंड के ट्रीज आपको मिल जाते हैं. तो ऐसा इसका प्रॉपर लोकेशन है नामधापा का. सो नामधापा ऑल्सो हैज़ ट्रॉपिकल काइंड ऑफ वेजिटेशन. प्लीज नोट दिस पॉइंट, नामधापा में आपको मिल जाएगा ट्रॉपिकल वेजिटेशन. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. सो नामधापा ऑल्सो हैज़ द ट्रॉपिकल वेजिटेशन एंड इसको क्या कहते हैं, अमेजॉन ऑफ द ईस्ट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. यस यस यस, ईस्टर्न घाट, हाँ थोड़ा सा स्लाइटली ईस्टर्न घाट जैसे एक मॉडरेट हाइट है एंड प्रॉपरली वहाँ पे एक अच्छा हेरिटेज आपको मिल जाएगा वहाँ पे. ठीक है, सो अंडरस्टूड एवरीवन. सो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड प्लीज़ ये टॉपिकल वगैरह देख लेना. यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है नामधापा पे, तो या कौन से टाइप में, कौन से फॉरेस्ट में, कौन से नेशनल पार्क, कौन से बायोस्फीयर में कैसे एग्जैक्टली वेजिटेशन होता है, तो वो टेंटेटिवली अंडरस्टैंड कर लो. ठीक है, यस यस, देहिंग पतकाई को भी नियर बाय अगर देखा जाए तो वो भी हो सकता है. ठीक है, अमेजॉन ऑफ द ईस्ट, बट नामधापा भी एक जनरली देखा जाता है. ठीक है, सो बहुत ऐसे रीजन्स में दिया है नामधापा के बारे में. ठीक है, सो आई विल चेक अगेन. ओके, सो और अगर देखा जाए तो ट्रॉपिकल वगैरह वेजिटेशंस कहाँ पे आते हैं तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना. ठीक है, एंड सेकेंड आप अगेन जितने भी स्टूडेंट्स हो तो आप प्लीज़ द हिंदू का जो न्यूज़ कवरेज है तो वो चेकआउट कर देना एंड वो अनअकैडमी आर्टिकुलेट पे भी रहेगा एंड सेकंड आपको मिल जाएगा अनअकैडमी ऐप पे. स्पेशल क्लासेस में आपको फ्रीली प्रोवाइड किया है जितने भी द हिंदू में न्यूज़ आते हैं एवरी मंथ, तो वो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है वहाँ पे और आप वहाँ से एवरी डे का न्यूज़ 360 डिग्री कवरेज प्रॉपर आपको समझ जाएगा एंड इवन आपको PDF भी फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पे. ठीक है, सो जस्ट गो एंड चेक फ्री क्लासेस ऑन द स्पेशल क्लासेस. ओके, यस यस यस, ओके, यस नीरज, हाँ देहिंग पतकाई तो आसाम में आएगा. यस, देहिंग पतकाई आसाम में आएगा, पतकोई रेंज के आसपास. ठीक है, क्लियर है. आपके थोड़े लेट मैसेजेस दिख रहे हैं मुझे. ठीक है, बट ठीक है, इट्स फाइन. ठीक है, देहिंग पतकाई तो यस यहाँ पे आ जाएगा. आसाम में बहुत ही ईस्ट की तरफ आता है, देखो. ठीक है, विजयनगर एक आता है, विजयनगर के थोड़ा सा वेस्ट में आता है. ठीक है, विजयनगर जो एग्जैक्टली विजयनगर आता है ना, तो वो भी न्यूज़ में था देखो कुछ दिनों पहले, तो विजयनगर के थोड़ा सा स्लाइटली वेस्ट में आएगा. यस, टेलीग्राम ग्रुप है तो यहाँ पे आप ये सिंप्लीफाई IS आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे. ठीक है, सिंप्लीफाई IS ऐसे एक टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे ज्वाइन करो सो दैट आपको अपडेशन वहाँ पे भी मिल जाएंगे. यस यस यस, आई थिंक देहिंग पतकाई इज द फॉर्म ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी. नहीं, देहिंग पतकाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, देखो संगीता. ठीक है, देहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाएगा. ठीक है, और विजयनगर एक आता है ना, तो उसके वेस्ट में आता है. यस, अरुणाचल में बहुत, अरुणाचल में ईस्ट की तरफ म्यांमार का ऐसे देखो एकदम छोटा सा टिप है, एकदम म्यांमार मतलब म्यांमार स्टार्ट होता है और ऐसे देखो एक छोटा टिप है अरुणाचल प्रदेश का, और यहाँ पे तीनों साइड से म्यांमार है. ठीक है, और यहाँ पे आएगा विजयनगर और विजयनगर के वेस्ट में आएगा यहाँ पे देहिंग पतकाई. ठीक है, तो देहिंग पतकाई आपको दिख जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ओके, क्लियर है. देहिंग पतकाई एंड आई थिंक हाँ चलो नामधापा, सॉरी नामधापा, हाँ नामधापा आएगा, सॉरी नॉट देहिंग पतकाई, नामधापा की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट. नामधापा का बता रहा हूँ मैं आपको, विजयनगर के वेस्ट में आता है नामधापा. ठीक है, और रही बात देहिंग पतकाई, वो तो थोड़ा सा आसाम की तरफ आएगा. ठीक है, यस, टेलीग्राम ये सिंप्लीफाई IS पे आप ज्वाइन कर सकते हो शोभित. ओके, सिंप्लीफाई IS. ओके, सिंप्लीफाई IAS. ओके, सो या फिर आप जो सेशंस होता है अनअकैडमी पे, ठीक है, तो वो देख लेना एक बार. ठीक है, सो वी आर नॉट अलाउड टू शेयर द टेलीग्राम लिंक. आई एम सॉरी शोभिता, ओके शोभित, सॉरी आई एम सॉरी शोभित, बट वी आर नॉट अलाउड टू शेयर द टेलीग्राम लिंक. ओके, सो आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके, यस यस यस, नामधापा, हाँ हाँ हाँ, क्लास टाइमिंग एवरी डे 1 PM को हमारा क्लास होता है मोस्ट प्रॉब्लली, मतलब एवरी डे तो होता है 1 PM. एंड हाँ, कल सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं. प्लीज़ आपको एक बता देता हूँ थोड़ा सा फास्ट. ओके, तो कल हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऑल एनवायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो हम ये कल स्टार्ट करने वाले हैं, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. हम कल इतने पूरे ऑर्गेनाइजेशंस कल कवर करने वाले हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंट रिलेटेड एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपका पूरा वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ नेटवर्क, IUCN, IPCC, UNEP, WMO, IWC. ठीक है, देन उसके बाद ये सब हम कल कवर करेंगे. और इंडियन फर्स्ट हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं और उसके बाद हम इंडियन इंस्टीट्यूशंस देखेंगे. ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट करने वाले. जैसे WWF है तो उसका हम पूरा डिटेल में जाएंगे, कब उसका फाउंडेशन हुआ था, एंड उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसका मेन एम क्या है, इसके रिपोर्ट्स कौन से जैसे WWF का लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आता है। सो ऐसे हम पूरा डिटेल में कल देखने वाले हैं, ठीक है। एंड IUCN है फॉर एग्जांपल, IUCN के क्या क्या कैटेगरीज है, कौन सा एस्टैब्लिश हुआ, कब एस्टैब्लिश हुआ है, IPCC है तो उसका कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो ये पूरा हम देखने वाले हैं। और IPCC का रिसेंट रिपोर्ट कौन सा है और वो रिसेंट रिपोर्ट क्यों न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये हम सब कवर अप करेंगे कल के सेशंस में, ओके। यस, नोटिफिकेशन के लिए वही ना, तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप सिंप्लीफाई IS जनरली आप टाइप कर लो, सिंप्लीफाई IS ऑन टेलीग्राम चैनल, सो वहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। मैं वहाँ पे सेंड तो करता ही हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद आप यूट्यूब पे भी नोटिफाई के ऑप्शंस आपको होता है, ठीक है, ओके। देन कल फिर स्टार्ट करते हैं हम एंटायर, ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 21 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड 20 इंडियन इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, हम ये कल के सेशन में राइट एट 1 PM कवर करेंगे, ओके। नेशनल पार्क का भी आपको मिल जाएगा, देयर इज नो इशू कुमार। यस, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज जितने भी इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसे लगता है देखो आपने सब नेशनल पार्क लिए, देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, देर आर मोर देन 500 सेंचुरीज इन इंडिया, तो इतने सारे आप थोड़ी ना पढ़ते बैठोगे और इतने सारे याद रहना भी ज़रूरी नहीं है यूपीएससी के लिए, याद रखना, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि द हिंदू पढ़ो अच्छे से, और द हिंदू में जो करंट में होता है तो वही मैक्सिमम 90% पेपर तो यहाँ से हिट हो जाता है, ठीक है। और वही सेंचुरीज, वही नेशनल पार्क आपको रीड आउट करना है, अदरवाइज कोई भी उठा लिया और आप पढ़ते बैठ रहे हो तो दैट इज़ नॉट द प्रॉपर अप्रोच स्टडी। तो प्रॉपर अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है, तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी बुक मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, तो आई विल सजेस्ट बिकॉज यूपीएससी से आप देखो बिल्कुल भी कम्प्लीटली अनकन्वेंशनल हो रही है ओवर द टाइम, तो इसलिए द हिंदू ये मस्ट है आपको। और पूरा पेपर अगर देखा जाए प्लीज़ एनालाइज करो, मैंने लास्ट ईयर का भी 19 का किया था, ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन द हिंदू से हिट होते हैं, सिर्फ एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एज इट इज़, और उसका विथ प्रूफ मैंने स्क्रीनशॉट दिया है। और इस बार ऑलमोस्ट 9 to 10 क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुए थे, सो प्लीज़ गो फॉर द ओनली दोज नेशनल पार्क और ओनली दोज सेंचुरीज विच आर इन द न्यूज़। अननेसेसरी पढ़ते मत बैठो, देर इज़ नो नेसेसिटी फॉर दैट, ओके, बिकॉज पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ओके। सो और ऑब्वियसली मैंने द हिंदू का पूरा कवरेज आपको 365 डेज का दिया ही है और आगे भी देने ही वाला हूँ, ठीक है। तो अनअकैडमी यहाँ पे जैसे आपको दिखेगा 15 अक्टूबर तक का, 1 to 15 अक्टूबर, सो वी आर गोइंग टू कवर दैट कवरेज ऑन संडे। तो एवरी संडे को आपके सेशंस होते हैं जिसमें लास्ट 7 days का आपका पूरा एनवायरमेंट द हिंदू का न्यूज़ कवरेज होता है, ठीक है। सो हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आपको एनवायरमेंट का अगर आप मेरे सेशन कंप्लीटली फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब दूसरा कुछ भी मत पढ़ो, बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, या एक पीयर प्रेशर होता है हमें तो उसके लिए आप लगा तो शंकराचार्य पढ़ सकते हो, बट करंट अफेयर्स आप पूरा स्किप कर दो, द हिंदू मत पढ़ो, ना विजन पढ़ना है, सिर्फ ये मेरे सेशन जो हो गए या मेरा कंपाइलेशन जो होता है जो आपको फ्रीली PDF तो मिल ही जाते हैं, अगर आप स्पेशल क्लासेस देखते हो तो वहाँ से डाउनलोड भी ऑप्शन होता है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपको एनवायरमेंट का पूरा कवरेज बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो प्लीज़ द हिंदू में आप एनवायरमेंट मत पढ़ो, मेरे सेशन से आपका कंप्लीट कवरेज हो जाएगा, मतलब मैं वहाँ पर कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है, तो उसका टेंशन में मतलब, ठीक है, सो वहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। बस आप शंकराचार्य पढ़ो और बाकी फिर मेरे लेक्चर्स फॉलो करो, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ओके। देन थैंक यू, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा सेशन हुआ आज आप लोगों के साथ, कुछ क्वेज बहुत अच्छे आपने आंसर किए, एंड चलो मिलते हैं फिर कल राइट एट 1 PM एंड विद दिस इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, ओके। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।